उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग तूल पकड़ने लगी है। वहीं विपक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है, जहां हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है और ऐसे में राज्य की संस्थाओं से निष्पक्ष जांच संदेहजनक है। इस कारण कांग्रेस को एसआईटी और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच सिटिंग जज की देखरेख में हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज करें। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से पूछा कि भर्ती घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह से भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसी में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश चार धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है।